वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक हैं। ये मैंने भिंडी चिकन बनाया है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। मेरी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आइए देखते हैं इस मज़ेदार से भिंडी गोश्त को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह से बनता है। भिंडी गोश्त बनाने के लिए बोनलेस चिकन लिया है 400 ग्राम, 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, हरी मिर्चें चाहिए होंगी हमें, ज़ीरा 1 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट है या आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 10 से 12 ये काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून दही चाहिए। एक पाव भिंडियाँ ली हैं मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पहले भिंडी फ्राई कर लेंगे। 1/2 कप ऑयल लिया है मैंने। ऑयल गरम हो गया, इसमें हम भिंडी डाल देंगे। इसको हम फ्राई कर लेंगे। भिंडी फ्राई हो गई है, अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को इतना ही करेंगे, अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड, चिकन का कलर चेंज हो गया, अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक के साथ हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। मसाले इसमें हमने ऐड कर दिए, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर ऐड करके इसको हम कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको कवर करेंगे और टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे और इसमें दही भी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम भिंडी ऐड कर देंगे। भिंडी जो हमने पहले से फ्राई करके रखी हुई है इसको हम ऐड कर देंगे। देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। भिंडी का कलर हमें ख़राब नहीं करना है, इसको
बस हम 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। और जो हरी मिर्ची हमारे पास हैं उसको ऐड कर देंगे इसमें हम, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हरी मिर्चों का। आप चाहें तो मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। भिंडी चिकन हमारा तैयार हो गया, देखें आप भी ट्राई कीजिए ज़रूर इस तरह से बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।